स्वागत है आपका एजी फैंटेसी में। आज अपन बात करेंगे एमआई अमीरात वर्सेज अबू धाबी के बीच होने वाले यूए टी20 लीग के मैच के बारे में। तो इस मैच के लिए कौन होगा हमारी मेगा ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्प प्लेयर, जिससे कि अपन लाखों रुपए विन कर सकते हैं। साथ में जानेंगे पिच रिपोर्ट और इस वेन्यू पे जानेंगे किस प्रकार का स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पे रहता है। साथ में पेसर को ज्यादा विकेट मिलता है स्पिनर, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में बताऊंगा मेगा ग्रैंड लीग के लिए बेहतरीन ट्रम्प प्लेयर। भाई लास्ट गेम में मैंने आपको बोला था इमाद वसीम और रदरफोर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बनने वाले, और दोनों ही प्लेयर बहुत ही शानदार पिक रहे थे अपने लिए इस गेम में। ठीक है, क्योंकि अब वेन्यूज पे थोड़े बहुत मैच हो चुके हैं, तो यहाँ पे अब आपको स्पिन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो काफी ऐसे स्पिनर्स हैं जिनको लोग काफी कम लेकर जा रहे हैं, या फिर वो सब्सिट्यूट के रूप में आ रहे हैं, तो लोगों को पता नहीं किस प्रकार से उन प्लेयर्स को ट्राई करना है। मैं बताऊंगा आपको इस मैच में बहुत से ऐसे छुपे हुए प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज आपको काफी कम दिखेगा, लेकिन वो प्लेयर काफी अच्छा परफॉर्मेंस इस गेम में दे सकते हैं, और हाई परसेंटेज ऐसे प्लेयर है जिनके आज के मैच में फ्लॉप होने के चांस बन रहे हैं। तो किस प्रकार से आपको उन प्लेयर्स को लेना है, सीवीसी किस प्रकार रखना है, सब कुछ बताऊंगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब चलते हैं पिच की तरफ। मैच खेला जाएगा शेख जियाद स्टेडियम अबू धाबी, अबू धाबी का यह मैदान। यहाँ जो लास्ट मैच हुआ था ना, विश्व पर 154 जिसको अबू धाबी की टीम चेज कर रही है। 5 विकेट पेसर को मिल रहा है, 5 विकेट मिल रहा है स्पिनर को। अच्छे मिले थे स्पिनर्स को विकेट यहाँ पे। ठीक है, अबू धाबी 95 पे ऑल आउट हो रही है, एमआई अमीरात चेज कर रही है। 8 विकेट पेसर को, 3 विकेट मिले थे स्पिनर को। एमआई अमीरात 179 में 5 जिसको गोल्फ की टीम चेज नहीं कर पाती। 11 विकेट पेसर को मिले, 2 विकेट मिले थे स्पिनर। इस मैच के अलावा दोनों मैच इस सीजन के स्कोरिंग चेज हो गया था। ठीक है, इससे पहले यूएई 163 पे थे जिसको अफगानिस्तान चेज कर रही है। 7 विकेट पेसर को, 2 विकेट मिले थे स्पिनर को। अफगानिस्तान 137 पे छः जिसको यूएई की टीम चेंज कर रही है, 7 विकेट पेसर को, स्पिनर को 1 भी विकेट नहीं मिला। तो देख सकते हो आप, जब भी यहाँ पे मैच हुए जो चेजिंग टीम है उसके पास एडवांटेज रहने वाला है। तो काफ़ी अच्छा ये मैच रहने वाला है। ठीक है, स्पिनर्स भी काफ़ी अच्छे विकेट निकाल रहे हैं, काफ़ी ऐसे स्पिनर हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज इस मैच में कम है, लेकिन वो ड्रीम टीम के मेंबर बनेंगे। लास्ट टाइम मैंने बोला था इमाद वसीम कमाल करेगा और करा। ठीक है, इस मैच में बताऊंगा कौन से वो छुपा रुस्तम प्लेयर आपके लिए रहने वाले हैं। यहाँ देखो भाई, लास्ट मैच में अबू धाबी को 95 रन पे ऑल आउट कर दिया था और 9 विकेट से मैच जीता था एमआई अमीरात ने। हुआ क्या था मैच में भाई, 2 ही प्लेयर डीटी आए थे अबू धाबी के। ठीक है, बाकी एमआई अमीरात पूरी तरह से छा गया था इस मैच में। पूरा टॉप ऑर्डर निकलस पोरन, कुशाल परेरा, टीम डेविड, विलास मोहम्मद, बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट, एम रोहित खान। भाई लास्ट गेम में से एक ही ओवर करवाया था, यहाँ फिर से बॉलिंग डलवाएंगे इससे। ठीक है, अकील हुसैन, डब्लू सैम खैली और फैज अलक फारूकी, इनकी तरफ से रसेल और एम खान ही चला था। ठीक है, बाकी और प्लेयर ने परफॉर्मेंस नहीं दी। देखते हैं इस मैच में किस प्रकार से आपको प्लेयर्स लेना है। हाँ, फिर भी एम आई अमीरात फिर से इन पर भारी पड़ सकता है अगर पहले बॉलिंग करेगी तो। यहाँ देखो एम आई अमीरात की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली है, विलास मोहम्मद के साथ ओपनिंग करें कुशाल परेरा, उसके बाद फ्लेचर, पोरन, रायडू, टीम डेविड, अकील हुसैन, डीजे ब्राओ, एम रोहित खान, ट्रेंट बोल्ट, फैज अलक फारूकी और डब्लू सलीम खेली आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जमान खान को टीम ट्राई कर सकती, सॉरी जमान खान नहीं, जरूर खान है, इसको टीम ट्राई कर सकते हैं। जॉर्डन थॉम्पसन को टीम ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो भी चेंज होगा, मैसेलेटेड जो भी अपडेट रहने वाले, सब मैं आपको बताने वाला हूँ टेलीग्राम पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप ज्वाइन जरूर करें। ज्वाइन करने का फायदा है कि तो उसके बाद जो भी मैच से रिलेटेड अपडेट रहती है वो सब आप तक पहुंच पाएगी। ठीक है, और किस प्रकार से आपको कॉम्बिनेशन बनाकर चलना है टीम का वो मैं वहां पे बताता हूँ आपको। ठीक है, विलास मोहम्मद को देखो 53, 27, 51, 19, 26 लास्ट गेम में डक पे आउट हुआ। इससे पहले अच्छी पारी खेली है, इंपॉर्टेंट प्लेयर फिर से बन सकता है, वेन्यूज को काफी अच्छे से जानता है, तो लोकल प्लेयर है यूएई का, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बनेगा। कुशाल परेरा की बात करें 18, 5, 17, 0 लेकिन लास्ट 2 गेम अच्छे खेले, 22 और 42 रन किए कुशाल परेरा ने, तो इंपोर्टेंट प्लेयर आपके लिए रह सकता है। फ्लेचर 52 नॉट आउट, 0, 5, 31, 28 बैटिंग नहीं आई, लास्ट गेम में फिर से 42 रन बनाए, तो भाई काफी इंपोर्टेंट नॉक खेली थी फ्लेचर और कुशाल परेरा ने लास्ट गेम में। निकलस पोरन को देखो आप 60 नॉट आउट, 15, 21, 51, 39 नॉट आउट लास्ट मैच में 37, भाई कमाल के फॉर्म में चल रहा है पोरन आजकल, जल्दी आउट नहीं होता, अच्छी अच्छी पारी खेलता है, इंपोर्टेंट प्लेयर है। बीच में एक आध पार जरूर ड्रॉप, ड्रीम टीम का मेंबर नहीं बनाए, बाकी इसके अलावा रेगुलर परफॉर्मेंस दे रहा है, फिर से अच्छी पिक आपके लिए रहेगा। अंबाती रायडू का ज्यादा रोल बन नहीं रहा है, 19, 0, 32, 15, 1, 25 जब भी बैटिंग आती है तो इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं कर पा रहा है, तो आप ड्रॉप कर सकते हो, बाकी आप चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो। टीम डेविड 22+0, 16, 27, 41 बैटिंग नहीं आई, 20, भाई इसके पास कैच भी अच्छे जाते तो इसको आप ट्राई करना, हो सकता है बैटिंग आ जाए 20-25 रन में बना गया ना,
20 रन भी ये बनाता है तो 2 कैच आने के पास हाई चांस रहता है मैच में। अकील हुसैन भाई कमाल का गेंदबाज है, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 0-0, उसके बाद 2 विकेट लास्ट गेम में, 4 विकेट, एक ही ओवर में 3 विकेट चटकाया था अकील हुसैन। काफी इंपॉर्टेंट बॉलर है, फिर से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। डीजे ब्रावो की बात करते हैं, 1 विकेट 0, 1 विकेट 0, 1 विकेट बॉलिंग नहीं की थी, 1 विकेट। पर कैरेबियन पावर से भरी पड़ी है दोनों टीमें, काफी आपको वेस्ट इंडीज के प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रहने वाले। एम रोहित खान 0, 2 विकेट 0, 3 विकेट 0 विकेट, भाई लास्ट गेम में एक ही ओवर डलवाए, से क्यों डलवाए, क्या सोचती उसके पीछे पता नहीं कैप्टन की, ठीक है, लेकिन इनके अगेंस्ट ये 3 विकेट निकाला था, तो हो सकता है फिर से अच्छी परफॉर्मेंस दे जाए जीएल के लिए, आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी पिक है, सिलेक्शन आपको काफी कम दिखेगा। ट्रेंट बोल्ट की बात करते हैं, 1 विकेट 1 विकेट, उसके बाद 2 विकेट 2 विकेट, 3 विकेट 2 विकेट, भाई विकेटों की झड़ी लगा दिया ट्रेंट बोल्ट ने, फिर से काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहने वाला है। फैजल हक फारूकी को देखो, 1 विकेट 1 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, अच्छे विकेट मिल रहे हैं इनके बॉलर को। डब्लू सैम खेली भाई, इस प्लेयर को देखो आप, 2 विकेट 0 0, 3 विकेट 0 0, इस टूर्नामेंट में देखो, 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, यानी तीनों बार ये ड्रीम टीम का मेंबर बना है, तो सिलेक्शन आप भी आप देखो तो आपको 5% भी नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये रहता है सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स में, ठीक है, तो सब देखते हैं कि बैटिंग करने या बॉलिंग करने, सॉरी बॉलिंग करने नहीं आएगा, लेकिन ये बॉलिंग करने आता है हर मैच में, अच्छी गेंदबाजी करता है, इंपॉर्टेंट बॉलर है, अच्छे विकेट इसको मिलते हैं, फिर से ट्राई कर सकते हो, अच्छा बॉलर आपके लिए साबित हो सकता है, यहाँ से कोई खेलेगा नहीं। बात करते हैं अबू धाबी की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाले, जो क्लार्क के साथ ओपनिंग करेंगे घोष, उसके बाद है सरफू, सेमिहा, लोरी वांस, रसेल, इमाद वसीम, डेविड विल्ली, सुनील नारायण, एम डी लांगे, एम खान और ए अली खान आपको नजर आएंगे। इसके अलावा कोई चेंजेस होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ये लास्ट मैच इनके अच्छे चल रहे हैं, शायद चेंजेस ना करें। जो क्लार्क को देखो आप, 7, 38, 32, 28 लास्ट गेम में 2 रन पे रन आउट हो गया था, अच्छा प्लेयर है, ट्राई कर सकते हो भाई, स्टार्टिंग में अच्छे रन मार सकता है। एडम घोष 42, 5, 28 नॉट आउट, 95, 3, 4 लास्ट गेम में 10 रन, रन 10 ही बनाए, लेकिन ड्रीम टीम का मेंबर था वो, क्यों था, क्योंकि विकेट कीपिंग भी करता है, वहां से भी अच्छे पॉइंट आने के चांस है, प्लेयर ठीक ठाक है वैसे, हालांकि पहले मैच के बाद बैटिंग में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया नहीं है अभी तक, लेकिन विकेट कीपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बन सकता है। ये शरफू 18, 1, 1, 10, 15 लास्ट मैच में 82, भाई कमाल की बैटिंग की, मैंने बोला था ना यूएई के प्लेयर अच्छा खेले, लेकिन इनको मौका तो दो आप ऊपर, ठीक है, वो ये कि इन स्टार खिलाड़ियों के बीच इन खिलाड़ियों की थोड़ा सा मौका कम मिल रहा है, जब भी मौका मिला है इनकी टीम से यूएई के प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस किया है, पहले इसको भी स्टार्टिंग में बैटिंग मिली थी लास्ट में, अब इसको थोड़ी सी ऊपर बैटिंग मिल रही है, तो अच्छी बैटिंग करके दिखाया है, तो इम्पोर्टेंट प्लेयर फिर से रह सकता है। सेमी हा की वही बात है मैंने कही थी, 51, 0, 0, 1, 0, 77 इसी सीजन का है, उसके बाद 7 सेम इसने बीबीएल में किया था, सेम यहाँ पे कर रहा भाई, ये और आपका अविष्का फर्नांडो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग प्लेयर है भाई हमेशा से ही, ठीक है, पता नहीं क्या परफॉर्मेंस है ये, तो फिर भी अच्छा करता है, 77 रन की पारी खेली थी इसने, हो सकता है फिर से अच्छा खेल जाए, और हो सकता है फिर से ऐसी पारी भी ये दिखा जाए, थोड़ा सा रिस्की प्लेयर रहेगा। लोरी वांस 51, 26, 72, 21, 1, 67 नॉट आउट लास्ट मैच में बैटिंग नहीं आई थी, इससे पहले रसेल और इमाद वसीम बैटिंग करने आ गए थे, ठीक है, क्योंकि इनकी टीम जीत रही थी तो इन्होंने ज्यादा चेंज किए नहीं। रसेल 3 रन 2 विकेट 0, 48 प्लस 0, 3 रन 1 विकेट लास्ट मैच में, 24 रन नॉट आउट प्लस 2 विकेट भी रसेल ने निकाले, तो रसेल इंपोर्टेंट प्लेयर है भाई। इमाद वसीम को देखो आप, 0, 2 विकेट 1 विकेट 0 0, 25 रन प्लस 2 विकेट, भाई अच्छे विकेट निकाले थे इमाद वसीम ने। डेविड विल्ली को देखो तो भाई इमाद वसीम और रसेल आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं, अच्छी बॉलिंग डाली है लास्ट गेम में इमाद वसीम ने, तो हो सकता है रिपीट में अच्छा परफॉर्मेंस दोनों प्लेयर्स का आ जाए। विल्ली की बात करें, 6 रन 2 विकेट 15 रन 3 विकेट 1 विकेट 0 2 विकेट 0 विकेट, विल्ली इतने ज्यादा विकेट इस सीजन मिले नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बीच बीच में विकेटलेस जा रहा है, बैटिंग काफी नीचे आती है, कोई खास कॉन्ट्रीब्यूशन भी बैटिंग से है नहीं। नारायण को देखो, 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 2 विकेट 1 विकेट, नारायण को हमेशा विकेट मिलता है, काफी अच्छा गेंदबाज है, इनके अगेंस्ट जरूर खाली गया था लास्ट टाइम हेड टू हेड में, लेकिन ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, विकेट भी मिल रहे हैं अब तो, काफी अच्छी बॉलिंग करता है ना सुनील नारायण, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। एम डी लांगे भाई बॉल फर्स्ट में ट्राई करना, सेकंड में थोड़ा सा रिस्की रहेगा, 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, और लास्ट गेम में भी 1 विकेट इसको मिला था। एम ताउल्लाह खान 1 विकेट 2 विकेट 0 1 विकेट, और लास्ट गेम में विकेट लेस। अली खान को देखो आप, 1 विकेट 0, उसके बाद 2 विकेट निकाल रहा है, 3 विकेट निकाल रहा है, फिर से विकेट लेस जा रहा है, फिर 1 विकेट इसने निकाली, तो ट्राई कर सकते हो, अली खान को अच्छा प्लेयर है। यहाँ से कोई प्लेयर खेलेगा नहीं शायद तक, एम पेपर खेल सकता है, और कोई चांस है नहीं किसी प्लेयर का खेलने का,
बात करते हैं मेगा ग्रेली के लिए जो बेहतरीन पिक आपके लिए इस गेम में बन सकते हैं। भाई इन प्लेयर का सिलेक्शन आपको कम दिखेगा, हर मैच में कुछ ना कुछ ऐसे प्लेयर रहते हैं, ठीक है। नौ नौ और आठ, नौ नौ या आठ प्लेयर आपको ऐसे मिलेंगे जिनका सिलेक्शन कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन उन प्लेयर में से हमेशा आपको पता है ड्रीम टीम के मेंबर बनते हैं प्लेयर लोअर सिलेक्शन परसेंटेज वाले, चाहे कोई भी फ्लॉप हो, चाहे कितना ही बड़ा प्लेयर है, कितना ही रेगुलर खेल रहा है, उसको फ्लॉप होना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा ऐसा होता है। अब बात करते हैं, देखो अबू धाबी की तरफ से जेक क्लार्क, इमाद वसीम, एसरफ, इन दोनों तीनों प्लेयर को लोग कम लेकर जा रहे हैं, ठीक है। इमाद वसीम का लास्ट मैच अच्छा था, एसरफ का भी अच्छा था, ये रन आउट हुआ था। इधर से कुशाल पेरेरा रेगुलर अच्छा खेल रहा है, एम रोहित खान और एम सलीम खेली। भाई सलीम खेली 2 बार ड्रीम टीम का मेंबर बन चुका है 3 मैच में। एम रोहित खान इनके अगेंस्ट अच्छा खेल चुका है, कुशाल पेरेरा रेगुलर अच्छा खेल रहा है, ठीक है। तो इन प्लेयर्स के चांस तो है ही, आपको पता है, लेकिन इनको कॉम्बिनेशन में किस हिसाब से आपको लेकर जाना है, कौन सी कंडीशन में कौन सा प्लेयर इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि सारे लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर एक मैच में तो चलने हैं नहीं, वो रेयर चांस में होता है, कभी कभार होता है, ठीक है। यहाँ से आपको 2 या 3 प्लेयर मिलने हैं, तो उनको किस प्रकार से आपको ट्राई करना है। देखो अगर अबू धाबी की टीम पहले बॉलिंग करे तो इमाद वसीम आपके लिए ज्यादा अच्छी पिक रहेगा। सेकंड में यहाँ पे क्या चेजिंग टीम अच्छा खेलती है, और उधर जो प्लेयर है निकलस पूरन, विलास मोहम्मद, वो अच्छे खेल रहे हैं, ठीक है। बाकी बैट फर्स्ट में आप क्लार्क को ए सरफू में से एक प्लेयर ट्राई कर सकते हो, और इमाद वसीम को ट्राई कर सकते हो, 2 प्लेयर यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो। एएमआई की बात करें, एमआई अमीरात, एम रोहित खान और एम सैम खेली, भाई दोनों कंडीशन में आप दोनों प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हो, अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी बॉलिंग डालते हैं दोनों ही, हालांकि बॉलिंग कम मिल रही है दोनों को, ये बात भी, इसलिए आप एक ही ट्राई करना है इन दोनों में से। भाई कुशाल परेरा को आप दोनों कंडीशन में ट्राई कर सकते हो, शानदार हिटर है, आते अच्छा खेल रहा है आजकल, थोड़ा सा अच्छे टच में नजर आ रहा है पहले के मुकाबले, तो हो सकता है फिर से एक अच्छी पारी आ जाए, क्योंकि ज्यादा बॉल इसको लेनी है नहीं, पावर प्ले में खेलने आता है। तो यहाँ से आपको 2 या 3 प्लेयर लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर अपनी टीम में रखने होंगे, अगर आपको जीएल और मिनी जीएल में फर्स्ट आना है तो, ठीक है। यहाँ देखो आप निकलस पुरन, कुशाल परेरा, एडम घोष, किस प्रकार से आपको ट्राई करना है। भाई इन तीनों प्लेयर्स को मैंने रखा है अपनी टीम में, ठीक है। आप चाहो तो एक प्लेयर, एक कीपर कम रख सकते हो, फ्लेचर को ट्राई कर लेना, ठीक है। लोरी वांस, विलास मोहम्मद, रसेल नारायण, डेविड विली, इमाद वसीम, रसेल नारायण, इमाद वसीम को मैंने रखा है। लास्ट गेम में केवल रसेल चला था, इसके अलावा पूरी बॉलिंग चली थी, भाई इनकी इसी पिच पे मैच था, पिच भी कोई दूसरा नहीं था, ठीक है। तो हो सकता है इनमें से आपको फिर से 7 8 9 प्लेयर, 7 या 8 प्लेयर सेम प्लेयर मिल जाए। ट्रेंट बोल्ट, अकील हुसैन, फैजल फारूकी, ट्रेंट बोल्ट, अकील हुसैन, एम रोहित खान और डब्लू सलीम खेली, इस प्रकार से मैंने प्लेयर्स को रखा है। और जो मैंने प्लेयर आपको लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर बताया, उनको आपको रोटेट करना है। देखो पहले बॉलिंग करे तो एम डी लांगे को भी आप ट्राई कर सकते हो, एक आध विकेट मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि पहले ये खेलेंगे तो विकेट इनके भी जाएंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो भाई ट्रेंट बोल्ट बहुत ही शानदार बॉलिंग कर रहा है, अकील हुसैन अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इनको कर सकते हो, इनकी तरफ से रसेल अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। रसेल के अलावा एडम घोष को भी इसी ट्राई कर सकते हो, हालांकि लास्ट कुछ गेम अच्छे रहे नहीं है। बाकी निकलस पुरन आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, विलास मोहम्मद को आप भी इसी ट्राई कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको सीवीसी रखना है। लास्ट जो इनका हेड टू हेड हुआ था उसमें बोल्ट कैप्टन आया था, वाइस कैप्टन एम रोहित खान आया था, लेकिन सेम सीवीसी बहुत ही कम रेयर चांस में आते हैं, तो आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, इस प्रकार से आपको टीमें बनानी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।